इस वीडियो में आप ग्राफिकल मेथड के बारे में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो उससे पहले आप इक्वेशंस बनाते हैं और इक्वेशंस को आगे आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के ही मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, उसे हम बोलते हैं फॉर्मूलेशन। ठीक है ना, फॉर्मूलेशन इसे हम बोलते हैं। और इक्वेशन से सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। और भी इसके मेथड है वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें मैंने पहले से ही बनी हुई इक्वेशन ले ली, मतलब इक्वेशन बनी बनाई हमने ले ली। अगर आपको नई बनी हुई दी हो तब भी आप क्वेश्चन से इक्वेशन बना सकते हो, जैसे आपने पहले सीखा। बहुत ईजी है, बस सारे कॉन्स्टेंट्स को आपको यूज़ करना होता है। तो ये इक्वेशन तो हमें बनी बनाई मिल गई, अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते थे। और ये आपने 12th क्लास में पढ़ा भी है बिल्कुल एज इट इज़, तो बहुत ईजिली आप रिमेंबर कर भी पाओ। सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन करना है, इसके लिए ये एग्ज़ाम में आपको एक ग्राफ पेपर प्रोवाइडेड होगा। तो वो जो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा उस पर आपको पेंसिल से और एकदम क्लीनली स्केल वगैरह लेके एकदम बनाना है प्यार से। क्योंकि मान लो अगर आपके क्वेश्चन में या इसमें ग्राफ में कोई गलती भी हो जाती है, लेकिन आपका ग्राफ क्लीन है ना, तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। वो जो टीचर हवा में चेक करे जा रहा है पूरा पेपर, ऐसे ऐसे टिक लगाया जा रहा है, वो लगाता चले जाने वाला है। लेकिन अगर आपका ग्राफ गंदा होगा, पेन से बना होगा, अनटाइडी वर्क होगा, ठीक है ना, और उसको फिर वो थोड़ा ध्यान से देखने लगता है, थोड़ा गुस्सा उतारने लगता है। तो साफ बना के आओ यार, बाकी ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती होती नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन आप गलत बनाया हो तो अलग चीज़ है। और मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं आती है, किसी को नहीं पता है, तो वो यार पहले कोई और वीडियो देख के आए कि लाइन को ग्राफ पे प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है ना, मैं मान के चलूंगा कि बेसिक 6th क्लास की मैथमेटिक्स सबको यहाँ पे आती है। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशंस हैं आपके सामने। x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 30, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू y इज़ लेस देन इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 20। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब जैसे आपको ये वाली इक्वेशन, सबसे पहले ये सारी इक्वेशन आपको एक तो ग्राफ पर प्लॉट करनी है, और जैसे आपको ये वाली इक्वेशन अगर प्लॉट करनी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू से आपको कोई मतलब नहीं है। जहाँ भी ये सिंबल लगा है उसको आपको इक्वल टू मान लेना, मतलब ये इसको y इक्वल टू 3 पढ़ोगे, मतलब ग्राफ पे बनाने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, आप मानोगे इज इक्वल टू ही है वहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 3 आप कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू 3 मतलब y 3 है और x कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 3 ये लाइन होती है ना, ये पॉइंट 3 है और x 0 है, तो ये लाइन आपकी हो गई y इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे आपको लिख देना है, पेंसिल से बना के आना है आपको एग्जाम में, और साफ बना के आना है स्केल का यूज करके। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 0 y इज इक्वल टू 0 आपकी जो लाइन होगी, मतलब y 0 है और x कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 भी लाइन है तो y एक्सिस भी आपकी लाइन है x, ये तो ये आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके अलावा अब तो अब ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब आपको ये भी बनानी है y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 आपकी ये वाली होगी, मतलब y 12 होगा और x कुछ भी हो सकता है। तो 12 ये आपका 0.3 था, सॉरी 0.3, और ये होगा 0.12। और x इज इक्वल टू 20 भी तो आपको बनाना है, x इज इक्वल टू 20। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे ये ले लो अगर 20 पे, ये आपको ग्राफ पे तो बिल्कुल बॉक्सेस वगैरह होंगे तो आप आसानी से बना सकते हो 20 और ये 0 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 20 ना, तो ये आपका इस तरीके से आप बना लोगे, ये वाला लाइन आपका होगा x इज इक्वल टू 20। ये वाली लाइन का भी आप लिख दोगे कि ये थी y इज इक्वल टू 12। ये सारी लाइनों की आपको वो भी कर देनी है, मतलब क्या बोलते हैं, लेबलिंग भी कर देनी है आपको। अब इसके अलावा आपको ये वाली लाइन भी बनानी है x इज इक्वल टू y, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू y आप देखोगे कि ये 20.20 पे मीट करनी चाहिए एक, तो मतलब यहाँ कहीं मीट करेगी, ये तो 12 है ना और ये 20 है, तो ये हो गया 20.12 और 20.20 इसके ऊपर होगा, तो यहाँ कहीं मीट करेगी और ओरिजिन से शुरू होगी x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब x भी सेम है, y भी सेम है, इस लाइन का स्लोप जो है 45 होगा, यहाँ कहीं मीट करेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको ग्राफ पे बिल्कुल नाप के बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ मीट करा दिया अगर गलती से, तो ये फिर गलत हो जाएगा आपका, ये मीट ऊपर करेगी, ये पॉइंट होगा 20.20। ग्राफ पे आप और साफ भी बना सकते हो 20, क्योंकि ये तो 20.12 है, तो 20.20 और ऊपर होगा, y एक्सिस आपका बढ़ जा रहा है। अब बहुत ही ध्यान से आप देखो, एक तो ना ये वाली जो लाइन है ना,
ये ऐसे कुछ बनेगी, मतलब 30 पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली लाइन मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यार मैं बना नहीं पाऊंगा इस ग्राफ पे, मैंने बना दिया, मैं काट के दोबारा नहीं बनाना चाहता। तो मान लो आप ये वाली कंडीशन थी नहीं, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो तो आप बनाना ही है ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है ना, रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, अभी एडसेंस चालू नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ें हमने खरीदी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ इसको, आप मान लो नहीं है अभी, तो यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये सारी क्वेश्चन तो हमने बना ली है वाली तो सारी, और इसको हमें वो करना था, मैक्सिमाइज इसको करना था, इसको अभी नहीं बनाना है आपको, इसको अभी आपको छोड़ देना है। ये सारी क्वेश्चन आपने बना लिया, अब एक एक करके आपको एरोज बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो वाई है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वाई 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में आपका जो शेडेड एरिया आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। वाई 0 से भी बड़ा होना चाहिए, और वाई 0 ये वाली लाइन थी तो इसके ऊपर आएगा एरिया, इसके ऊपर आएगा। वाई 12 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके नीचे आएगा एरिया, इसके नीचे, इस तरीके से वाई 12 से छोटा होना चाहिए ना, नीचे होना चाहिए। ये वाला हो गया आपका वाई ग्रेटर देन 3 भी हो गया, और ये वाला एक्स लेस देन 20 होना चाहिए, एक्स लेस देन 20 होना चाहिए, ठीक है। और क्या देख सकते हो आप, और एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो आपका ये वाला एरिया होगा, ये वाली इक्वेशन का एरिया ये वाला होगा, और ये आपका शेडेड एरिया आ गया। देखो सारी सारी कंडीशंस को कौन सा एरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला एरिया, आप देखो ध्यान से, अभी मैं आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा ये जो पूरा एरिया। देखो इस लाइन से नीचे होना चाहिए एरिया, इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से ऊपर होना चाहिए है ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर होना चाहिए है, इससे भी ऊपर है, इससे अंदर होना चाहिए, इससे भी अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपका सारा हो गया, अगर ये वाली भी होती सपोज तो हम इसके हिसाब से भी एरो बना लेते, फिर जो कॉमन एरिया आता है वो बना लेते। ये सब आपने ट्वेल्थ में किया है, इसका एक दो तीन क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, वो आप कर लेना, नहीं भी करोगे तब भी मेरे को पता है आप कर लोगे, क्योंकि बहुत ईजी है, बस ये बनाना होता है। अब ये जैसे आपका शेडेड एरिया आ गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो आपका शेडेड एरिया है ना, इसको आप लेवल कर लो, ए बी सी डी इस नाम से आप इसको लेवल कर लो, ये जो आपका शेडेड एरिया है इसके चार वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको जेड में पुट कर देना है, मतलब पॉइंट ए पे जेड की क्या वैल्यू आएगी वो निकाल लेनी है। इस तरीके से आप लिख लो जेड की, पॉइंट ए पे जेड की क्या वैल्यू आएगी, ऐसे ही पॉइंट बी पे जेड की क्या आएगी वो यहाँ लिख लेना आप, पॉइंट सी पे क्या आएगी जेड की, और पॉइंट डी पे क्या आएगी जेड की वैल्यू। चार इक्वेशन थी ना, चार एक तरीके से हमारे पास वर्टेक्स आ गए, तो ये जो चार पे वैल्यू आएगी, अब आपको करना क्या था, मैक्सिमाइज करना था, तो जोन सी भी वैल्यू इसमें से मैक्सिमम होगी, सपोज आपकी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो यही वाली जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, जो एक्स और वाई की बी पॉइंट पे वैल्यूज होंगी, वही आपका आंसर हो जाएगा एक्स और वाई का। समझ गए आप बात को, कि इस इन जो चार वर्टेक्स आए आपके शेडेड एरिया के, उन वर्टेक्स पे जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, मतलब इस वर्टेक्स पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के जेड में पुट कर देनी है, इस पे भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, इस पे एक्स और वाई निकाल के इसमें पुट कर देनी है, इस पे भी एक्स और वाई निकाल के इसमें पुट कर देनी है। तो जो आपकी चार वैल्यू आ गई जेड की, उसमें जो आपको मैक्सिमाइज करना था ना, मिनिमाइज करना होता तो सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू जो भी है, सपोज ये है मान लो, तो ये इस पे जो भी एक्स और वाई की वैल्यू थी वही आपका एक्स और वाई का आंसर है। ये है बेसिक ग्राफिकल मेथड का हमारे पास तरीका, कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप कह लो, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा भी है 6 नंबर में, या शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आता था, अभी भी आता है, ठीक है ना। और बस ग्राफ पेपर का ध्यान रखना, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है, ठीक है ना, पेंसिल वेंसिल लेके जाना, मांगना मांगना मत यार, टाइम बचता है, पेंसिल अपनी लेके जाएँ, कैलकुलेटर लेके जाएँ, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।